झारखंड और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। शिबू सोरेन ने जन्मदिन पर काटा 32,000 का केक। हेमंत के साथ सीता सोरेन भी नजर आई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन कल अपना जन्मदिन मनाए। इस मौके पर उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर केक काटा। शिबू सोरेन 77वां जन्मदिन मना रहे थे। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन, छोटे भाई वसंत सोरेन, बहू सीता सोरेन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की परम परमेश्वर से प्रार्थना की। मकर संक्रांति पर आकाश में उड़ेगा मोदी पतंग, हेमंत सोरेन स्पाइडरमैन भी रेस में। राजधानी रांची का बाजार मकर संक्रांति के लिए सज धज कर तैयार हो गया है। जगह जगह तिलकुट, तिल और गुड़ के लड्डू और नए धान का चूड़ा मिल रहा है, लेकिन संक्रांति का त्यौहार पतंगबाजी के बिना अधूरा है। रांची में भी बच्चों को लेकर युवा तक जमकर पतंगबाजी करते हैं। यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर शाम तक चलता है। इसको लेकर बाजार में तरह तरह के पतंग बनाई गई है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वाली पतंग की बिक्री हो रही है। इस पतंग में उनकी अलग अलग स्टाइल में फोटो लगी हुई है। बच्चों और युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी के नाम के पतंग का खास क्रेज दिख रहा है। इसके साथ ही हरे रंग की हेमंत सोरेन के नाम की पतंग और स्पाइडरमैन पतंग की भी मांग बहुत है। बाजार में मोटू पतलू, शिवा, रुद्रा सहित और अन्य कार्टून रैकेट्स के नाम से भी पतंग है। झारखंड में बर्ड फ्लू की आहट, विधानसभा परिसर में मिले दो मरे हुए कौवे। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके में स्थित पुराने विधानसभा भवन परिसर में सोमवार को दो मरे हुए कौवे दिखे। मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार के पशुपालन विभाग की तरफ से भेजी गई टीम ने दावा किया कि मौके पर उसे एक मारा हुआ कौवा मिला। सैंपल एकत्र कर इसे जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल के कोलकाता स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोसिस लैब में भेज दिया गया है। अगर पहली जांच में बीमारी स्पष्ट नहीं होती है तो दोबारा जांच के लिए कलकत्ता से इसे डायरेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल को भेज दिया जाएगा। राज्यपाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की बात, कहा दुष्कर्म मामलों में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में बढ़ती आपराधिक एवं दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सोमवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन से दूरभाष पर बात की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि हत्या तथा दुष्कर्म के मामलों में सुनवाई के लिए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए ताकि इन मामलों को त्वरित गति से निष्पादन हो सके एवं अपराधी को शीघ्र सजा मिले। झारखंड के पूर्व राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां ने क्यों जमा कराई अपनी लाइसेंसी बंदो, क्यों बोले सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे बात, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखने की नियम की जद में झारखंड के पूर्व राज्य मंत्री दुलाल भुइयां आ गए हैं। शनिवार को पूर्व मंत्री श्री भुइयां ने अपनी लाइसेंसी बंदूक और 48 जिंदा गोली जमा कर दी है। इसकी लिखित सूचना के साथ उक्त बंदूक की लाइसेंस जिला सत्र कार्यालय में जमा भी करा दिया है। इससे पूर्व गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार ने द्वारा दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार धारकों को चिन्हित करते हुए नोटिस दिया था। झारखंड के इस उम्र के इंस्पेक्टर नहीं जाएंगे उग्रवाद ग्रस्त जिला, डीजीपी की ट्रांसफर नीति का झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने किया विरोध। डीजीपी की ट्रांसफर नीति का झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया है। रविवार को पतरातू में आयोजित एसोसिएशन की कार्यकारी बैठक में नेताओं ने कहा कि डीजीपी ने कुछ दिन पहले ट्रांसफर नीति बनाई थी। इसके तहत जिला व पुलिस इकाइयों को चार श्रेणी ए, बी, सी व डी में बांटा गया था। इसके बाद फिर से एक नियम बनाया गया कि 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले इंस्पेक्टर उग्रवाद जिला नहीं भेजे जाएंगे। ओल्ड एज होम में मनाया बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन, अभय सिंह ने काटा केक। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 63वां जन्मदिन सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। भाजपा नेता सुमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम में हुई कार्यक्रम में भाजपा नेता अभय सिंह ने केक काटा। ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों के बीच केक के साथ खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। आज 12 जनवरी है, यानी आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी के दिन राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल।
किसान आंदोलन से परेशान गांव वालों ने हाईवे पर लगाए टेंट। जानिए क्या है वजह। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलनरत है। सूबे में भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों को आंदोलन करते हुए लगभग 1 महीना होने को है। वहीं अब किसान और गांव आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन से परेशान गांव वालों ने हाईवे पर लगा लिए टेंट। 1 अप्रैल से मोदी सरकार 12 घंटे करेगी ऑफिस के घंटे, बदलेंगे पीएफ और रिटायरमेंट के नियम। जाने क्या है बदलाव। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी और ये हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल को लागू होने की संभावना है। यूपी में काला किया गया केजरीवाल के गालीबाज एमएलए सोमनाथ भारती का मुंह। आम आदमी पार्टी के गालीबाज विधायक सोमनाथ भारती का कल उत्तर प्रदेश में मुंह काला कर दिया गया। दरअसल सोमनाथ भारती इन दिनों यूपी में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। रायबरेली में सोमवार को पुलिस के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनके मुंह पर काली स्याही छिड़क दी और उनका मुंह काला कर दिया। पंजाब के 4,74,000 धंधेबाज किसान फर्जीवाड़ा कर पीएम किसान निधि का लिया पैसा। आरटीआई से खुलासा, अब लौटाना होगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए केंद्र सरकार ने तो धनराशि जारी कर दी और किसानों तक पहुंच भी गया, लेकिन कुछ राज्यों में इसे लेकर बड़ी गड़बड़ी की बात पता चली है। इनमें से 20,48,000 अपात्र लोगों को 1,364 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ही एक आरटीआई के जवाब से यह खुलासा किया गया। तरीके से पीएम किसानों योजना का लाभ उठाने वालों को सबसे ज्यादा अपात्र किसान पंजाब के हैं। 20,00,000 किसानों को लौटाने पड़ेंगे 1,364 करोड़ रुपए। कहीं आप भी तो नहीं है उसमें शामिल। पीएम किसान सम्मान निधि के सिस्टम में सेंध लगाकर 20,48,000 अयोग्य लाभार्थियों ने 1,364 करोड़ रुपए डकार लिए। इनमें से सबसे ज्यादा पंजाब के किसान है, इसके बाद असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इन अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक आयकर दाता है। बाकी 44.41% वे किसान है जो योजना के अर्थ पूरी नहीं करते हैं। अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। चौरी चौरा के शहीदों को मिलेगा उचित सम्मान, सीएम योगी ने दिया अधिकारियों को निर्देश। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशा होगा। आजादी के मतवालों की याद में लिखी इन पंक्तियों को जानते तो सभी हैं, लेकिन इसे हृदय तल से महसूस करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे भी आगे बढ़कर पहल की है। देश की स्वाधीनता आंदोलन को निर्णायक दिशा देने वाले चोरी चोरा कांड के शहीदों को उचित सम्मान मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक घटना के 27वें वर्ष में वर्ष पर्यंत कार्यक्रम करने का फरमान जारी किया है। आज से शुरू होगी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी, जाने कितना होगी कीमत। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के मद्देनजर बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सीरम इंडिया ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन बनाने का पहला ऑर्डर दिया था। आज सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये ऑर्डर तैयार हो गया है और आज से वैक्सीन की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। 200 रुपये होगी हर डोज की कीमत। गणतंत्र दिवस परेड में बाधा नहीं डालेंगे किसान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की ओर से पैरवी कर रहे वकील दुष्यंत दवे ने सोमवार को कहा कि किसान गणतंत्र दिवस परेड में बाधा नहीं डालेंगे। इससे पहले कहा गया था कि 26 जनवरी के दिन किसान भी परेड के समानांतर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कुंभ मेला 2021 में मकर संक्रांति पर होगा कुंभ का पहला स्नान। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। इस मेले में करोड़ों तीर्थयात्री हिस्सा लेते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन भी कहा जाता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन 14 जनवरी से हरिद्वार में हो रहा है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्हाट्सएप से भी आसान है सिंगल यूज करना,
स्टेप बाय स्टेप गाइड। सिंगल ऐप भारत में एप्पल ऐप स्टोर के टॉप चार्ट में नंबर वन ऐप बन गया है। गूगल प्ले स्टोर से भी इसको 10 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। व्हाट्सएप के नए पॉलिसी के बाद सिंगल के डाउनलोड में काफी इजाफा देखा गया है। विराट अनुष्का के घर आई नन्ही परी, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। आखिरकार वो घड़ी आ ही गया जिनका नए साल के मौके पर सभी इंतजार कर रहे थे। साल 2021 की खुशियां दोगुनी हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पापा बन गए। अनुष्का ने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। हॉस्पिटल में उनकी पति भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी साथ में थे। विराट ने ट्वीट कर लोगों के साथ यह खुशखबरी साझा की। जल्द ही मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत जल्द ही महंगाई भत्ता मिल सकता है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही कर्मचारियों महंगाई भत्ता दोबारा से मिलने के इंतजार में रहे हैं। खबर खेल जगत से, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया ने दिखाया कमाल, मैच हुआ ड्रॉ। भारतीय बल्लेबाजों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच ड्रॉ करा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 407 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में चौथे दिन भारत ने अपने दो विकेट 98 रनों पर गंवा दिए थे। पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को भारत के लिए 8 विकेट लेने थे, पर सोमवार को मात्र 3 विकेट गंवा कर टोटल 5 विकेट ही गंवाया और मैच को ड्रॉ करा दिया। वो तुम्हारी आखिरी सीरीज होगी, जब अश्विन ने बंद कर दी ऑस्ट्रेलिया कप्तान की बोलती। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन मेजबान टीम के कप्तान टिम पेन ने बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन का ध्यान भंग करने की कोशिश की। मैच के आखिरी दिन अश्विन और हनुमा बिहारी की साझेदारी चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट लेने की कोशिश में लगी थी। इसी दौरान कप्तान पेन विकेट के पीछे से ही अश्विन का ध्यान तोड़ने में लगे थे। पांचवें दिन अश्विन हनुमा की साझेदारी से हताश कंगारू कप्तान टीम पेन को एक तकरीब सूझी। पारी के 122वें ओवर में पेन को अश्विन से कुछ कहते सुना गया, उनकी बातें स्टंप माइक में कैद हो गया। वायरल हो रहे वीडियो में पेन यह कहे सुने जा रहे हैं कि तुम्हारे गावा जाने का इंतजार नहीं कर सकता, ऐसे जिसके जवाब में अश्विन ने कहा तुम्हारे भारत आने का इंतजार नहीं कर सकता, वो तुम्हारी आखिरी सीरीज होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।